सलमान खान की कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी की सीजन 2 का आगाज हो गया है। इस बार के सीजन में टीवी और बॉलीवुड के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एंट्री भी हुई है, जिसमें पुनीत सुपरस्टार भी शामिल हैं। पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस के घर में एंट्री लेते ही हंगामा खड़ा कर दिया था। वो शो में ऊटपटांग हरकतें करते नजर आए थे, जिस वजह से घर वाले तक परेशान हो गए थे। इतना ही नहीं, पुनीत की हरकतों से बिग बॉस का पारा भी हाई हो गया, जिस वजह से उन्हें महज 24 घंटे के अंदर ही शो से बाहर किया गया। सोशल मीडिया फैंस पुनीत को शो में वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस सब के बीच अब पुनीत सुपरस्टार ने अपने एविक्शन पर जबरदस्त रिएक्शन दिया है। दरअसल पुनीत सुपरस्टार ने बिग बॉस ओटीटी 2 के घर से बाहर आने के बाद एक कई सारे वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें वो बिग बॉस के मेकर्स को खरी खोटी सुनाते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में पुनीत गुस्से में बोलते दिख रहे हैं, औकात में रहना, 50,000 करोड़ रुपए मुंह पर फेंक के मारूंगा। एक वीडियो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री पर बात करते हैं और कहते हैं कि 50 लाख का इंतजाम कर लेना अगर पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड के तौर पर बुलाना चाहते हो। इसके अलावा भी पुनीत के ढेर सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पुनीत के इन वीडियोस पर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं और उन्हें शो में आने की बात कर रहे हैं। सालो औकात में रहना, 50,000 करोड़ रुपए फेंक के मारूंगा, पूरा बॉलीवुड खरीद लूंगा, किसी के आगे झुकता नहीं हूँ, अपने दम पे स्टार बनाऊ, किसी के तलवे चाटता नहीं हूँ, इतने चाटे मारूंगा सालो इतने। बेटा 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना पुनीत सुपरस्टार को वाइल्ड कार्ड एंट्री देने के लिए अगर तुम्हारे में दम हो तो, क्योंकि पुनीत कुमार है किंग और पुनीत कुमार किसी के आगे झुकता नहीं है, पुनीत कुमार को सलाम ठोकते हैं लोग। अरे दोस्तों, मेरे पे लाखों लोगों के मैसेज आए कि पुनीत भाई तुम्हारी वजह से हमने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल कर दिया है, अब हम शो नहीं देखेंगे, क्योंकि पुनीत कुमार बाप था, बाप है और बाप रहेगा इंडस्ट्री का, इतने चांटे मारूंगा सालों। टीवी शोज और टीवी शोज से जुड़े स्टार्स की गॉसिप की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।